नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन, पेश है आपके सामने आज के मुख्य समाचार। वैसे तो सावन का हर दिन पावन माना जाता है, लेकिन इस पूरे माह पड़ने वाली हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। सोमवार को शिव भक्ति का सबसे अच्छा दिन भी माना जाता है। मान्यता है कि शिव को सोमवार का दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की कृपा आपार मिलती है। इससे पहले भगवान शंकर की आरती की जाती है। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भोले शिव का जलाभिषेक करने के श्रद्धालुओं का तांता लगता था, मगर इस वर्ष कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं है। शिव के ससुराल कनखल में दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं, मगर इस वर्ष मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंध किए हैं। अच्छी बात ये है कि खुद श्रद्धालु भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी की यही कामना है कि इस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। दक्ष प्रजापति मंदिर आए श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान शिव अपने ससुराल में एक महीने के लिए विराजमान हो गए हैं और भक्तों की दक्ष प्रजापति मंदिर में सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस वर्ष सावन के पहले सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भारी भीड़ नहीं जुट पाए, इसके लिए भी मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में भक्तों के सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और भगवान महाराज दक्ष को भोलेनाथ जी ने वरदान दिया था कि पूरे सावन वो यहीं पे विराजमान रहेंगे, इसलिए इतनी बारिश में भी पूरा उत्साह है और लोग बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर आकर भोलेनाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा रखते हैं। सावन में विशेष सोमवार के बहुत महत्व है यहाँ पर, और भगवान भोलेनाथ जी ने ये वरदान दिया था दक्षेश्वर महादेव को कि यहाँ पर पूरे सावन वो यहीं पे विराजमान रहेंगे, यही भक्तों की मान्यता है और इसीलिए ये वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने और भक्ति भाव से यहाँ पर आते हैं और जल अर्पण करते हैं। कैसा लगा आपको दर्शन? बहुत आनंद आया हमें दर्शन करके, बहुत अच्छा लग रहा है और हम यही कामना करते हैं कि हर वर्ष ऐसे ही आएँ और भोलेनाथ जी हमें दर्शन दें।